नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टीचर का टॉर्चर। जी हाँ, फरीदाबाद के डीएसपी सेक्टर 11 के स्कूल में पीटीआई टीचर की हैबानियत का मामला सामने आया है। दरअसल 12वीं के छात्र के 10 मिनट देरी से स्कूल पहुंचने पर टीचर इतना गुस्से में आ गया कि उसने छात्र की पूरी तरह से पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बच्चा वेंटिलेटर पर पहुंच गया और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जो यहां मामले में अभिभावकों ने पुलिस को शिकायत दी है और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि पीटीआई ने बात को कबूल भी लिया है और साथ ही यह भी कहा कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए उसकी पिटाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मेरा बच्चा यहाँ अपूर्वा सिंह 12वीं का छात्र है और स्कूल में 12वीं का छात्र है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 डी ब्लॉक में है, डी में। और इसको हमारे यहाँ के जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के जो पीटीआई है उन्होंने बुरी तरह से मेरे बच्चे को मारा। बच्चा मेरा होली फैमिली में आज एक हफ्ते से जिंदगी और मौत की में जूझ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं जो है इस बच्चे को मैं प्रेयर करता हूँ कि भगवान इसको बचा ले और इस प्रशासन के खिलाफ या जो है डीपीएस के प्रशासन के खिलाफ मैं एक न्यायिक जाँच की मांग कर रहा हूँ। उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। जब ये 5 नवंबर की बात है, शनिवार की बात है, दोपहर को 2:15 बजे ये मेरे पास आए, इनके बच्चे के चाचा जी उमाकांत जी, जो कि इनके लीगल गार्डियन है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन इन्होंने ही करवाया तो ये बच्चा इन्हीं के पास रहता है। तो ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी 3 तारीख को मेरा बच्चा सुबह उसकी तबीयत खराब हुई, वो स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, वो कोई जूते पहन रहा था, उस समय गिर गया, उसके पास गिर गया सीढ़ी के पास, और उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ से हम पता नहीं ये सेटिस्फाइड थे नहीं थे, गॉड नोज क्या बात है। उसके बाद ये इनको दिल्ली ले गए होली फैमिली ओखला में, जहाँ पे बच्चों को एडमिट किया है और बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। तो विद्यालय को अगर मंदिर कहा जाता है तो उसके भगवान जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं, और वही शिक्षक जब हैवान बन जाए तो कुछ छात्रों के साथ ऐसा ही होता है, जो खबर हमने आपको दिखाई। फिलहाल ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही गंभीर मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है। ये करीबन 1 महीने पुराना मामला है जब एक बच्चा स्कूल जाता है। हालांकि देखिए मैं अभी इसको कोई वेरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल ये बच्चे के बारे में जो बताया जा रहा था कि बच्चा थोड़ा सा मिर्गी के जो दौरे होते हैं उस बीमारी से ग्रसित था। लेकिन जैसे ही ये बच्चा स्कूल आता है, 12वीं कक्षा का छात्र है, तो टीचर ने उनको कुछ समझाना चाहा, पीटीआई टीचर ने, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे और टीचर के बीच में थोड़ी कहासुनी हुई, उसके बाद टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी। जो बच्चा है वो पूरी तरह गंभीर रूप से बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद जैसे ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उस टाइम उसकी हम बात करें एमएलआर रिपोर्ट नहीं कटवाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम जो स्कूल प्रबंधन था और बच्चे के माता पिता थे उनके बीच में बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय आगे बीता, बच्चे के माता पिता ने सोचा कि बच्चे की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन वो स्थिति दिनों दिन खराब होती गई, और अब माँ बाप गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाया जाए। स्कूल प्रबंधन के जो पीटीआई है जिस पर ये आरोप है, उन्होंने मेरे बच्चे की पिटाई की, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पे माता पिता का जो आरोप है बड़ा ही गंभीर है। जी और समझने की कोशिश की जाए तो विद्यालय को एक मंदिर समझा जाता है, बिल्कुल। और अगर वहां की बात की जाए तो शिक्षक जो होते हैं उन्हें भगवान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वही शिक्षक जब हैवान बन जाते हैं तो आखिर बच्चों के ऊपर कैसी क्या बीतती होगी, और ऐसा ही मामला एक सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए पहले ना हमारे यहाँ पर जो ये अभी जो शिक्षा है ये डॉक्टर मैकाले की शिक्षा है, मैकाले शिक्षा इसको बोला जाता है। इससे पहले हमारे यहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में ये बात मशहूर थी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर है। कहीं ना कहीं गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया था, माता से भी ज्यादा गुरु को सम्मान दिया गया था। लेकिन जो आज का दौर है, कहीं ना कहीं गुरुओं पे भी आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके का मामला है, देखिए मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अब से जो 20 साल पहले का दौर था, उस समय पे बच्चों के साथ में आमतौर पर शिक्षक शारीरिक दंड जो दे देते बड़ा ही भयावह होता था और घर पर रिपोर्ट नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज का जो समय है, अगर बच्चे को कोई टीचर एक थप्पड़ भी लगाता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं, और जब इस तरीके
की कोई घटना हो जाती है तो बड़ा दुख होता है, चाहे वो माता पिता हो या शिक्षक हो। कोई शिक्षक ये नहीं चाहता कि उसका जो ये स्टूडेंट है या हम बात करें जो उसका शिष्य है उसको कोई चोट पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है, मेरा जो मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा जो मानना है कि शिक्षक और माता पिता का जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से ये स्टेज इस स्टेज में पहुंच गया है कि माँ बाप और गुरुओं का विश्वास आपस में खत्म हो चला है, जिसके चलते यहां तक ये कार्रवाई पहुंची। हालांकि हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने FIR दर्ज कर ली है, हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए, जांच में जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और मैं बिल्कुल कंफर्म कहना चाहूंगा कि उनका कहना था कि बच्चे को एक बीमारी थी मिर्गी की, शायद हो सकता है कि टीचर ने उसको एक थप्पड़ लगाया हो, उसकी वजह से वो बच्चा गिर गया हो और उसके बाद उसकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को भी, बिल्कुल संजय जी देखिए, अगर इस तरीके के बच्चे हैं तो उनके साथ शिक्षकों को भी एक सहानुभूति जरूर रखनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट, हालांकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार बच्चों की हर साल मेडिकल रिपोर्ट मंगाते हैं, किस बच्चे को कौन सी गंभीर बीमारी है, उसके साथ में उसका ब्लड ग्रुप अटैच किया जाता है कि अगर भगवान ना करे कभी किसी बच्चे को स्पोर्ट्स के दौरान कोई इंजरी हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो उसका इलाज आसानी से किया जा सके, उसकी मेडिकल रिपोर्ट स्कूलों के पास होती है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं अगर माता पिता ने, क्योंकि बच्चा 12वीं छात्र है, एक पहली बार में 12वीं में नहीं आया होगा, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी इसके लिए दोषी माना जा सकता है कि अगर बच्चे के साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके। चलिए संजय मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष चौधरी हमारे साथ डीओ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर मनीष जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर पहुंच रही है। सर क्या है पूरा मामला? सर इस तरीके से ये जो मामले सामने आते हैं इससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर शिक्षा व्यवस्था पर उठता हुआ नजर आता है। सर हमारे पास तो अभी देखो ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है, हमारे तो एक उससे किसी वाले ने ऐसे भेज रखा है, तो ये पता चला ज्यादा जैसे हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है उसी हिसाब से हम अपना जाँच करेंगे इसकी। हेलो मुनीश जी, आवाज मुनीश जी शायद संपर्क टूट चुका है। मुनीश जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं सवाल या निशान इस तरीके से जरूर उठते हुए नजर आते हैं कि अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था कि एक मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, उसमें भगवान होते हैं, भगवान के तौर पर शिक्षकों को देखा जाता है, लेकिन वही शिक्षक जब हैवान बन के सामने आ जाते हैं तो सवाल या निशान जरूर पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए ना आपको? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास शिकायत आएगी हम तुरंत उसको पर एक्शन। शिकायत का इंतजार कर रहे हैं आप मुनीश जी? हाँ जी शिकायत का इंतजार कर रहे हैं, पूरा मामला फैल चुका है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो अभी एक तो पूजा शर्मा है उनकी वो वीडियो देख रही थी, मुझे पता चली। चलिए वीडियो देख लिया, उसके बाद तो मामला संज्ञान में आ गया ना आपके? जी चलिए उम्मीद है कि आप कार्रवाई भी करेंगे। मुनीश जी चलिए शायद सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी हमारे साथ ब्यूरो हेड हमारे मौजूद हैं। संजय जी देखिए जिस तरीके से मिट्टी को घड़ा बनाया जाता है तो ऐसे ही जो बच्चा होता है उसको अगर जिंदगी जीने के लिए अगर कोई संसार में लाता है तो वो माता पिता के से पहले गुरु होता है, क्योंकि माता पिता तो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, गुरुकुल भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की जो भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है बच्चे की जिंदगी में। बच्चे को अगर राष्ट्र का निर्माण जिस तरीके से होता है तो उसी तरीके से बच्चे का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरीके से भूमिका होती है, जैसे जिस तरीके से गुरु कुमार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, बिल्कुल वही भूमिका होती है जी। बिल्कुल देखिए हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण है, देखिए जिस तरीके से एकलव्य ने खाली गुरु की शकल देख के उनकी सिद्धांतों पे चल के जिस तरीके से अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में तैयार किया, और गुरु ने जब उनसे दक्षिणा मांगी, अंगूठे की दक्षिणा मांगी, उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया, तो आज ना तो वो दौर रहा, ना तो ऐसे शिक्षक रहे, ना ऐसे विद्यार्थी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है अगर गुरु उनके साथ में कोई व्यवहार कर रहे हैं, उनको अगर कहीं दंडित करने का काम कर रहे हैं जो कि एक सीमा के अंदर है,
तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि शिक्षक गलत नहीं होता है। हमने अपने बच्चे को सुबह 8 बजे स्कूल भेजा और 3 बजे तक अगर वो स्कूल है तो वो शिक्षक की निगरानी में, हम लोग उसको नहीं देख सकते। पूरी जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं शिक्षक की, जब तक स्कूल के अंदर छात्र मौजूद है तो स्कूल प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। लेकिन अगर बात कर ले यहाँ की, तो यहाँ पर भागते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं शिक्षक इस जिम्मेदारी से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी अभी मैडम से बात हो रही थी, मुनीश चौधरी शिक्षा अधिकारी हैं फरीदाबाद की, उनसे बात हो रही थी कि हमने, हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है। देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, जैसे ही पता चले तो उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको उसका वेट करना चाहिए, जिसकी भी गलती हो। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर बच्चे की देखो स्थिति अगर खराब है तो माता पिता चिल्लाएंगे, जिसके जिगर का टुकड़ा इस तरीके से हॉस्पिटल में भर्ती हो, अगर कोई उनको पूछ ना रहा हो तो कहीं ना कहीं उनका दर्द भी बाजे। नजर आ रही है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी है, उन तक नहीं पहुंची है और वीडियो उनके सामने तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यह जहमत नहीं उठाई कि यह पूरा मामला क्या है। देखिए अभी उन्होंने एक नाम लिया था, मैं उस नाम को रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वो सबके अपने अपने संस्थान होते हैं। कहा कि उनके द्वारा, पत्रकार के द्वारा इनके मामले संज्ञान में ये मामला आया। देखिए उनके संज्ञान में ये मामला आया तो उनको स्वतः ही कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मोरबी पुल का जो मामला था, गुजरात में पुल टूटा था, वहां पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया था। जिले के अधिकारी वो हैं जो सब लोगों को साथ लेके चले। देखिए शिक्षा अधिकारी है मुनीश चौधरी जी, उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, जानकारी जुटानी चाहिए कि क्या हुआ बच्चे के साथ, क्या हुआ। अगर शिक्षक की गलती है तो शिक्षक को दंड मिले, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो शिक्षक को दंड मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की अगर छोटी छोटी बातों पे अगर बच्चे को, शिक्षक का अधिकार है, माता पिता का अधिकार है कि बच्चे को दंड दे अगर गलत कर रहा है, तो ये बिल्कुल हमारे देश के जो हमारे गुरुकुल है उनमें संस्थाएं सिस्टम चला रहा है। तो अगर कहीं शिक्षक ने कोई अति कर दी है तो उसका दंड उसको मिलना चाहिए, नहीं तो ये सौहार्द की भावना बनी रहे, नहीं तो गुरु भी डरेंगे, गुरु भी बच्चे को ये सोचेंगे कि अगर बाय चांस ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं ही क्यों इसमें ध्यान दूं, जो इस दिशा में जाएगा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक और माता पिता और बच्चों में कहीं सोचने वाली बात जरूर है। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए देखिए, जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की घिनौनी हरकत जरूर सामने आई है, क्योंकि आज एक छात्र जो है वो शिक्षक की हरकत के चलते अस्पताल में वेंटिलेटर पर अपनी सांसें गिन रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।